सिद्धार्थनगर में एक 28 वर्षीय महिला की जान उसके पिता और उसके भाई ने ले ली। विवाद के बाद दोनों महिला को पीटते रहे। इस दौरान उसकी बहन ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक उसे वो मारते रहे जब तक महिला की मौत नहीं हो गई। इसके बाद आरोपी पिता पुत्र मौके से फरार हो गए। थाना डुमरियागंज अंतर्गत ग्राम मेहदी हरदो में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि अर्चना गौतम, उम्र करीब 28 वर्ष, जो अपने पिता सुखराम और भाई लवकुश से अलग रहती थी, करीब 2 वर्ष से अलग निवास कर रही थी, इन लोगों में काफ़ी पहले से ही विवाद चल रहा था। आज अर्चना गौतम के पिता सुखराज गौतम और लवकुश ने से सुबह विवाद हो गया। उस विवाद में मारपीट में उसको चोट लग गई, जिसके चोट लगने से उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। और इस सूचना पे थाना डुमरियागंज प्रभारी निरीक्षक और समस्त पुलिस बल मौके पहुंचकर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में खनन माफिया रवि सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लेखपाल और पुलिस टीम ने अवैध खनन के आरोप में मिट्टी लदे डंपर को पकड़ा। रवि सिंह, जो खनन माफिया अमर सिंह का बेटा है, पर किसानों के खेतों में दिन रात अवैध खनन करके उनकी फसलें बर्बाद करने का आरोप लगे हैं। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने बरौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। उन्हें केंद्र में लाखों रुपए की एक्सपायरी दवाइयां और इंजेक्शन मिले, साथ ही गंदगी, टूटे हुए सामान, फटे दवाइयों के गत्ते भी मिले। सांसद ने बताया कि केंद्र में डॉक्टर समय पर नहीं रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को सही से इलाज नहीं मिल पाता है। बाराबांकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के गोरछोरा गांव में भेड़िए के हमले से दहशत फैल गई है। बकरी चराने गई बच्ची रिजवाना को भेड़िए ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। पहले उसने बकरी पर हमला किया और फिर रिजवाना को निशाना बनाया। बचाने आई एक महिला पर भी भेड़िए ने हमला कर दिया। रिजवाना को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यहाँ जब अस्पताल में इलाज के लिए लाए तो क्या हुआ? अच्छा, तो यहाँ पे इलाज नहीं है? महोबा में वरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान और संयुक्त मीडिया क्लब की पर्यावरण संरक्षण मुहिम को जिलाधिकारी ने समर्थन दिया। विशेष कार्यक्रम के दौरान डीएम ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, आम जनता से इस पहल में शामिल होने की अपील की। और आपकी जो ये पहल है, मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है। महोबा का पर्यावरण आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पर्यावरण है और यहाँ पर किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं, किसी तरीके की कोई ऐसी वो नहीं है। बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लास्टिक और ऐसी गंदगी और ऐसा पोल्यूशन धीरे धीरे फैल रहा है। और ये सही समय है कि इस ऐसे जो ये इस तरीके की हमारे इसमें कुरीतियाँ टाइप आ रही हैं, इनको हम एड्रेस करें। खंड विकास अधिकारी मोहित कुमार दुबे क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर गंभीर है। कपोवा से गालीपुर, उतरौला, बलरामपुर मार्ग पर सैकड़ों जानवर सड़क पर घूम रहे हैं, जिससे लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। गौशाला केवल दिखावे के लिए संचालित की जा रही है और वहां उचित व्यवस्था की कमी है। इस लापरवाही की वजह से राहगीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में गंभीर समस्याएं बनी हुई है। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के अलमसपुर में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी के कारण दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। वायरल हो रहे वीडियो में दो महिलाएं और युवक आपस में मारपीट करते हुए नजर आए और झगड़े के दौरान महिलाओं के कपड़े भी फटे मिले। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों में एक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और मामला दर्ज किया। लखनऊ में यूपी रोडवेज मुख्यालय पर मृतक आश्रितों ने भर्ती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। वो पिछले 6 सालों से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उत्तराखंड के सितारगंज में 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल में दुराचार का मामला सामने आया है। 3 नाबालिग आरोपी 11, 9 और 14 साल पर आरोप है। उन्होंने स्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। महिला द्वारा शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है।
चमोली के नंदनगर में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में हिंदू संगठनों ने गोपेश्वर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला मुख्यालय पर जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपराधियों को जिले से बाहर करने की मांग की। इसमें जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें 31 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी एक नाबालिग से छेड़छाड़ की। तत्काल उसमें जो है सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की गई। उसके बाद तुरंत जो है नेक्स्ट डे जो एक्यूज था उसे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। उसके बाद जो वहाँ घटनाक्रम हुआ था, कुछ भीड़ के द्वारा कुछ दुकानों में जो तोड़फोड़ वगैरह की गई, उसमें भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ऋषिकेश में शराब तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई न होने से नाराज SSP अजय सिंह ने SOG देहात को बंद कर दिया है और उसे देहरादून SSP कार्यालय अटैच कर दिया है। ऋषिकेश और रायबाला थाने में पिछले 10 सालों से डटे पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया। SSP ने निर्देश दिया कि नए अधिकारी को शराब तस्करों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। चमोली के नारायण बगड़ प्रखंड में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने की। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों से भारी संख्या में फरियादी पहुंचे और मुख्य समस्याओं में घटिया निर्माण, खराब सड़कें, अनियमित जल आपूर्ति, स्वास्थ्य की स्थिति और शिक्षकों की कमी शामिल रही। लौल्टी गाँव की महिलाएं तहसील दिवस स्थल पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। उनका आरोप था कि गाँव में हाल ही में खुली शराब की दुकान के खिलाफ उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं लोल्टी उतनी दूर से आ रही हूँ, यहाँ नारायण बगड़ में, जहाँ हमने सुना कि वहाँ तहसील दिवस DM वहाँ से DM दिवस मनाया जा रहा है, कि वहाँ से आ रखे हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ शराब का ठेका खुला, हम बहुत परेशान हैं। एक महीने से हम आंदोलन में लगे हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ रखे हैं घर में, गाय भैंस छोड़ रखे हैं, हम तब भी आ रखे हैं। ठेके वालों ने उस दिन हमें लिख कर दिया था कि हम यहाँ ठेका नहीं खुलेंगे, ठेका नहीं खुलेगा, हम अपनी जब तक हमें अनुमति नहीं मिली हम नहीं खुल। फिर उन्होंने 20 में अपनी दुकान खोल दी, शराब का शराब बेच रहे हैं वहाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। संभल में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो दोस्तों को रौंद दिया। हादसे में एक दोस्त की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। मृतक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। उसने पत्नी, एक बेटे और दो बेटों को छोड़ दिया है। हादसा संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदोसी रोड स्थित गांव विछोली में हुआ।